कलश यात्रा में कुछ विशेष रहेगा? हाँ, कलश यात्रा में पहले कलश यात्रा में क्या होता था, कलश के भीतर नारियल रखे जाते थे, लेकिन अब पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए कलश में जो है एक एक पौधा रखा जाएगा, और जब यज्ञ समाप्त हो जाएगा उसके बाद सारी महिलाएं उस पौधे को अपने अपने बदायूं से बड़ी खबर, 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ को भव्य और दिव्य बनाने में जुटे आत्मीय परिजन। यज्ञ की भव्यता के लिए तैयार की गई है ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल। जी हाँ, यूपी के बदायूं में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। यही नहीं, इस बार कलश में नारियल की जगह पेड़ पौधे होंगे, जो प्रदूषण रहित व हरियाली का संदेश देंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 13 से 16 अक्टूबर चलने वाले धार्मिक कार्यक्रम के लिए उजानी के संजरपुर रोड स्थित बाकेलाल के भट्ठे के पास पूर्व शिक्षक जय सिंह यादव के कृषि फार्म का चयन किया गया है, जहाँ भक्त तैयारियों में जुटे हैं। बातचीत के दौरान सुखपाल शर्मा ने बताया कि भक्त यज्ञ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आदमी परिजन यज्ञ स्थल पर पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हैं। यज्ञशाला में यज्ञ कुंडों को सजाया गया है, सर्वतोभद्र और वेदियों पर वेद मंत्रोच्चारण के साथ पूजन होगा। आरेंद्र यादव ने कहा कि यज्ञ में सप्तनी आत्मीय परिजन मुख्य यजमान बनेंगे। यज्ञ स्थल पर श्रद्धालुओं को प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, वहीं यज्ञ परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है। कलश यात्रा प्रभारी कल्पना मिश्रा ने कहा कि 13 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे देवनागरी कॉलेज से सुसज्जित झांकियों, जयघोषों और गगनचुंबी पताकाओं के साथ निकलने वाली अभूतपूर्व कलश यात्रा की तैयारियां कर ली गई हैं। कलश यात्रा सह प्रभारी ममता शर्मा ने बताया कि कलश यात्रा बिलसी रोड, घंटाघर, कचला रोड, कोतवाली स्टेशन रोड, पंखा रोड, पुरानी अनाज मंडी, हलवाई चौक, सासवान रोड होती हुई यज्ञ स्थल तक पहुँचेगी। गायत्री परिवार के संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि यज्ञ की भव्यता के लिए ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल तैयार की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण, यज्ञ आवास आदि की व्यवस्था की गई है। राम भरोसेलाल माहेश्वरी ने श्रद्धावान से यज्ञ में पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर रघुनाथ सिंह, धीरेन्द्र सोलंकी, साधना, वैभव शर्मा, दिवे, भुवनेश शर्मा, सुखपाल, ध्रुव, सतपाल, संतोष यादव, अशोक, सुजाता, मोना, ममता, उषा, अमिता, अनमोल, लोकेंद्र, रामकन्या, कांति देवी, धर्मवती, गंगा देवी, पूजा, खुशबू, प्रीति, प्रियंका, सुमन, निशा, अंजलि आदि मौजूद रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए बदायूं से मोहम्मद आरिफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कल्पना मित्रा। अभी जो 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ हो रहा है, उसकी क्या तैयारी चल रही है? उसकी पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है। यज्ञ कुंड सारे बन चुके हैं और यज्ञ कुंडों की लिपाई पताई चल रही है। 13 तारीख तक पूरी यज्ञशाला फ्रेश हो जाएगी और टेंट वगैरह भी लग रहे हैं, उसके लिए ढांचा सब तैयार हो चुका है। कलश यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? देवनागरी से शुरू होगी और फिर वहाँ से होके हो जाएगी चौराहे तक जाएगी, फिर उसके बाद में कोतवाली से आगे स्टेशन, स्टेशन से फिर इधर आएगी नकासी में, बकरिया वाली नकासी में, उससे फिर इधर आएगी बंगाली डॉक्टर की तरफ होती हुई और फिर इधर आएगी जहाँ यज्ञ होगा हमारा वहाँ पर। मेरा नाम सचिन देव है और मैं यहाँ बदायूं का परिव्राजक हूँ। ये 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के मध्य होने संपन्न होने वाले यज्ञ की तैयारियाँ बड़े जोर शोर से चल रही हैं। उजानी के कार्यकर्ता भाई बहनों ने यज्ञशाला का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आज कुंडों की लिपाई पुताई चल रही है, जिसमें यहाँ से 13 अक्टूबर को कलश यात्रा का शुभारंभ होगा और 14 अक्टूबर को ये देव पूजन के साथ चारों वेदियाँ जो चारों कुंडों के चारों तरफ बनी हुई हैं उनका वेद मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न कराया जाएगा। नाम है? सुखपाल शर्मा नाम है। 108 कुंडी जो गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, उसके लिए क्या तैयारी हो गई? सभा के कुंड तैयार हो चुके हैं, उनकी लिपाई भी चल रही है और टेंट की व्यवस्था हो रही है। उसकी जगह निर्धारित हो गई है। कलश यात्रा कब निकलेगी? कलश यात्रा जो है 13 तारीख को निकलेगी देवनागरी स्कूल से।